पूरी तरह से जौन बावे ई जौन बावे पत्थर से बनल बा। एमे ना ही कोनो छड़, ना ही कोनो लोहा और ना ही कोनो जौन बावे ईटा पत्थर लागल बा। राजस्थान के कारीगरों द्वारा, लोकल कारीगरों द्वारा इस पर अद्भुत कलाकारी की गई है। हाँ ना, डिजाइन रोवा जौन बावे नजदीक से देख सकतनी कितना अद्भुत जौन बावे मंदिर के डिजाइन बा। ई जितना ई सिंहासन उंहासन ई जितना बाटे अंदर वाला, उ सब चांदी के बाटे, काला के काला से पेंट कर गेल बाटे, पूरा चांदी के बाटे। कृष्ण जी जौन बनल चांदी के हई, राधा जी सोना के बनी। नमस्कार, वो लोग देखा था नहीं झलको गोपालगंज, हम अतुल। आज हम आयल बनी अपना गोपालगंज जिला के माझा गढ़ में, जहाँ जौन बावे 100 साल से भी ज़्यादा पुराना जौन बावे शिव मंदिर बावे। ई जौन मंदिर बा राजा जौन बानी वहाँ के रुआ लोग जौन हम देखनी है कि जौन माझा गढ़ जौन बावे किला वही बेरा के जौन बावे ई मंदिर बावे। आ एकर जौन खूबसूरती, एकर बनावट, एकर कारीगरी जौन बावे उरुआ लोग के हम नज़दीक से देखाएं। इंजीनियर जौन बावे ई एकदम से पूरा जौन मंदिर बा पूरी तरह से नज़दीक से देखा जाओ, पूरी तरह से जौन बावे ई जौन बावे पत्थर से बनल बा। एमे ना ही कोनो छड़, ना ही कोनो लोहा और ना ही कोनो जौन बावे ईटा पत्थर लागल बा। मार्बल वाला जौन पत्थर आवेला वही से जौन बावे ई बनल बा, पूरा पत्थर से जौन बावे ई मंदिर बनल बा। सबसे पहले जौन बावे हम लोग के जौन ए जी के अद्भुत जौन बावे शंकर भगवान के जौन शिवलिंग बा ओकर दर्शन कराएं। रउआ लोग देख सकतनी हमी के जौन बावे एगो चचा जी बन जौन बानी मार्गदर्शन बानी वहाँ के जौन बावे, वहाँ के हमी के जौन बावे आगे आगे चलत नहीं या पीछे हमी के वहाँ के जैसे जैसे बतावत नहीं वैसे वैसे हमी के आवत नहीं सन। आ जौन बावे यहाँ जौन बावे रुआ लोग देख सकत नहीं, आवल जाओ अंदर। अंदर आके रुआ लोग देख देख सकत नहीं कि जौन शिवलिंग बा ये कितना पुराना बा। रुआ लोग के जौन बावे हमी के देखावत नहीं सन, एक फ्लोर जौन बावे नीचे जौन बावे शंकर भगवान के शिवलिंग बा। ए शिवलिंग के पर जौन बावे शिवलिंग के बारे में बताए। ये तो शंकर जी बहुत पहले से ई कलल बनी अपने से, अपने से, अपने से जौन शंकर भगवान बा के जौन शिवलिंग बा उ जौन बावे खुद से अपने से जौन बावे प्रकट भइल बनी। गेट बा उ राजा के समय के जौन राज रहे वो बेरा के बा, एकर बनावट रुआ देख सकतनी। एमे जौन बावे बहुत ही मजबूत लकड़ी के इस्तेमाल भइल बा। रउआ लोग देख सकतनी यहाँ भी बावे जौन एक शिवलिंग बावे है ना शंकर भगवान के, जो जौन की बहुत ही अद्भुत बहुत ही पुराना जौन बावे शिवलिंग बावे है ना। रउआ लोग देख सकतनी ये जिन शंकर भगवान माँ पार्वती के जौन बावे प्रतिमा भी बा इंजीनिया ऊपर से जौन बावे। रुआ लोग देख सकतनी एकर बनावट कितना अद्भुत जौन बावे मंदिर बनल बा। रुआ लोग देख सकतनी एकर बनावट एकर कारीगरी। गर्भगृह में जौन शंकर भगवान बानी वहाँ के जौन ऊपरी भाग बा ओकरा के जौन देखावल जाओ कि उ जौन बावे उमें कितना बढ़िया कारीगरी बा, कितना बढ़िया जौन बनावट बा ओकर। उ जौन बावे पूरा पत्थर से बनल बा, उमें ना कोनो लोहा ना कोनो पत्थर लोहा ना कोनो छड़ कोनो चीज के इस्तेमाल नहीं के भइल। रउआ लोग देख सकतनी ये मंदिर के जौन पिलर बावे ओकर पिलर के जौन बावे बनावट रुआ देख सकतनी। नज़दीक से देखावल जा पिलर के बनावट, पिलर के बनावट जौन बावे रुआ देख सकतनी कितना अच्छा कारीगरी बा एमे है ना। डिजाइन रुआ जौन बावे नज़दीक से देख सकतनी कितना अद्भुत जौन बावे ये मंदिर के डिजाइन बा। ई जौन बावे इतना सुंदर अपना गोपालगंज जिला के मंदिर जौन बावे अद्भुत बा। एकरा से सुंदर और एकरा से बढ़िया कारीगरी वाला मंदिर हम अभी तक ले अपना गोपालगंज जिला में नहीं देख ले। एमे जितना भी पत्थर और जितना भी जौन बावे लकड़ी जौन बावे ये सब जौन बावे सेखुआ के लकड़ी है। आ जौन पत्थर बा जौन उ राजस्थान के जौन बा पत्थर से बनल बा। रउआ लोग देख सकतनी इहो जौन बावे मंदिर में रखल बा, एकरा के उठा कितना वजन बा लगभग 30-35 हो वजन, वजन एकर बहुत बावे जौन बावे ए मंदिर में ही रखल बा। प्राचीन मंदिर बा, कितना पुराना मंदिर बा रउआ लोग देख सकतनी। अभी जौन बा मुख्य गेट है, मुख्य प्रवेश द्वार बा जौन के बनावट रुआ लोग देख सकतनी नज़दीक से है ना। कितना अद्भुत आ कितना जौन बावे पुराना मंदिर बाई। अभी जौन बा यही मंदिर के प्रांगण में जौन बावे हनुमान जी के जी जौन बावे एगो प्रतिमा बा रुआ लोग देख सकतनी। एमे भी जा बावे जौन उजला पत्थर जौन बावे ओकर उपयोग करके ई जौन बावे महावीर जी के जौन बावे बजरंग बली के हनुमान जी के जौन बावे प्रतिमा बनल बा। इहो जौन प्रतिमा बा ई उसी समय के ह जब से ई मंदिर बनल बा तबने समय के जौन बा ई प्रतिमा बा। इंजीनियर रुआ लोग देख सकतनी गणेश भगवान और माँ जौन दुर्गा बाड़ी माँ जगदम्बे जौन बाड़ी वहाँ के जौन बावे जिन प्रतिमा बा है ना। अभी जौन बावे एक ढक दिया था नज़दीक से देखावल जा
भगवान जी के लोग जौन बावे एमे जौन बावे बहुत सारा भगवान जी लोग के जौन बावे एमे प्रतिमा बा मूर्ति बा रो लोग देख सकतनी कितना पुराना कौन और कितना प्राचीन ही मंदिर हो रो लोग मंदिर के जौन मूर्ति बा ओकरे के देख के रो लोग अनुमान लगा सकतनी कि कितना पुराना हुई का रहस्य बा मंदिर के बताई। यह मंदिर मांझा स्टेट के राजन शाही के पूर्वज श्रीधर शाही द्वारा करीब करीब आज से 200 वर्ष पहले इसका निर्माण किया गया। राजस्थान के कारीगरों द्वारा लोकल कारीगरों द्वारा इस पर अद्भुत कलाकारी की गई है। मेरे समझ से ऐसा मंदिर गोपालगंज जिले में शायद एक ही जगह है जो हथुआ में है और इसमें काफ़ी पैसा लगा होगा। बहुत दूर दूर से लोग इसको दर्शन करने के लिए आते हैं। तो अगर वह लोग ये मंदिर के अगर दर्शन करे के चाहते नहीं देखे के चाहते नहीं तो आ सकते नहीं है ना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जितना हो सके उतना कमेंट करी शेयर करी और कोनो भी सलाह हो के सुझाव हो के जानकारी हो के तो ओकरा के कमेंट बॉक्स में लिखी। ये वीडियो जोन बायो रहुआ यूट्यूब ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक सभी भी सोशल मीडिया साइट से रुआ जो बावे देख सकते नहीं। धन्यवाद।